ये लद्दाख के लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही, सरकार के लिए भी ये कोई अच्छी बात नहीं है। लोगों का विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि एक लोकतंत्र में सरकार को संवेदनशील होना चाहिए लोगों की व्यथा पर। हमें एक वचन दिया था कि आपको लद्दाख को सुरक्षित रखा जाएगा, तो जब हमें ये महसूस होने लगा कि अब खतरा आ रहा है, वो महसूस एक फीलिंग आती है, तो हमने ये जो मुहिम स्टार्ट किया था 4-5 साल पहले से स्टार्ट कर रहे थे। तो जब खतरा और टलता जा रहा था और जहन में आता जा था, हम इस प्रोटेस्ट को और भी बड़े स्केल पे, लेकिन नॉन वायलेंस, गांधी जी के दिखाए हुए पे रास्ते पे जा रहे हैं, और हम ये तब तक करेंगे जब तक मर नहीं जाते। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद, रवि मौजूद है लद्दाख भवन में, जहाँ पर लद्दाख से सैकड़ों पदयात्री जो पैदल चलते हुए 1 सितंबर को निकले थे दिल्ली में अपनी मांग रखने के लिए, जिनको कि 2 अक्टूबर से पहले ही डिटेन कर लिया गया था दिल्ली बॉर्डर पे, वो लोग यहीं पे लद्दाख भवन के अंदर अनशन में बैठे हैं। यहाँ इस लद्दाख भवन के अंदर गेट के पीछे देख सकते हैं, खुले आसमान के नीचे ज़मीन पर दरी बिछा के ये लोग अनशन में बैठे हैं। इनका नेतृत्व जो कर रहे हैं यहाँ पे, वो साइंटिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक है, उनके नेतृत्व में ही यात्रा निकल रही है। इनकी मांग है जिस तरीके से लद्दाख के अंदर लद्दाख के कल्चर को और उसकी स्वायत्तता को, उसके अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये लोग यात्रा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम इन यात्रियों से बात करेंगे जो इनका लद्दाख से दिल्ली तक का पैदल सफ़र कैसा रहा है, और दिल्ली पुलिस जो केंद्र के अधीन आती है, उस पुलिस ने जिनको हिरासत में लिया, क्योंकि ये जब जम्मू कश्मीर से जहाँ से भी लद्दाख से निकलते हुए हिमाचल से होते हुए पहुँचे हैं, पूरी शांति प्रिय तरीके से यात्रा में आए हैं, कहीं कोई इन्होंने डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं की। उसके बावजूद दिल्ली में जिस तरह से इनको डिटेन किया गया, उसको बारे में लोग क्या सोचते हैं, आगे का आंदोलन इनका कैसे चलेगा, उसको लोग क्या सोच रहे हैं, और ये किन परिस्थितियों में रहने को मजबूर है, आइए इनसे बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इस मूवमेंट में पिछले 3-4 साल से शामिल हूँ, क्योंकि जो बॉडी है एपेक्स बॉडी, उसका एक मैं सदस्य भी हूँ, जो कि जो बलती ट्राइब है, जो कि तुरतुक रीजन जो कि बॉर्डर पे है, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा था पहले, 71 के बाद इंडिया का हिस्सा बना था, उस एरिया को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एपेक्स बॉडी में, और इस जिम्मेवारी के साथ आए हम, और 1 सितंबर को पद यात्रा में भी, और अभी हम अनशन पे भी शामिल हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा लद्दाख में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अभी बनने जा रहे हैं, तो उसमें से सबसे एक बड़ा प्रोजेक्ट सोलर प्लांट प्रोजेक्ट है, शायद वो 20,000 मेगावाट, काफ़ी एरिया जो है लद्दाख में एक नोमैडिक वे ऑफ लाइफ जो जहाँ रहते हैं, उनके काफ़ी जो पूर्वज थे हज़ारों साल से उनका कल्चर चला रहा था, एक ट्राइब चला रहा था, वो ख़त्म हो जाएगा। इनमें मांगे हैं लद्दाख में लोकतंत्र की बहाली, और लद्दाख में जो 6वां शेड्यूल का वचन दिया गया था पिछले चुनावों में लिखित में, वो लागू हों, और फिर युवा के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन लागू हो। अब क्योंकि एक एनवायरमेंटलिस्ट के नाते मैं ये देखता हूँ कि स्थानीय लोकतंत्र ही एक तरीका है वहाँ के पर्यावरण को, वहाँ के ग्लेशियर्स को संरक्षित रखने का, तो मैं इसलिए इसमें जुड़ा हूँ, क्योंकि लद्दाख ही नहीं पूरे हिमालय के जो पर्यावरण है वो बहुत संवेदनशील है, बहुत नाजुक है, और बहुत खिलवाड़ किया जा रहा है, और ऐसे में पूरे हिमालय में स्थानीय लोगों को सशक्त करने की ज़रूरत है। जहाँ जो प्रावधान हो संवैधानिक नहीं हो तो बनाए जाएं, जो हैं वो लागू किए जाएं। तो लद्दाख के केस में 6वां शेड्यूल संविधान में पहले से ही है, जो जनजातीय जनसंख्या को एक विशेष दर्जा देती है, एक ऐसा लोकतांत्रिक मंच देता है जहाँ पर उनके चुने हुए प्रतिनिधि नियम बना सकते हैं। तो इससे अच्छा ऐसे संवेदनशील जनजातीय संस्कृतियों के लिए और उनके जो प्रकृति है उसके लिए हो नहीं सकता, तो इसलिए हम इस पर जोर दे रहे हैं। सरकार से इस बीच में कोई बातचीत करने की कोशिश हुई क्या? अभी तक तो नहीं हुई है, सिर्फ आश्वासन दिया गया था जब हम दिल्ली आए थे, डिटेन हुए थे और राजघाट पे आखिर में गए थे, तो जब डिटेन हुए थे तो हम अनशन पे गए थे सभी लोग, 150 लोग, तो ये अनशन तोड़ा गया राजघाट पर इस आश्वासन या शर्त पर कि एक तो हमें वो राजघाट ले जाएंगे, वरना वो बाहर वापस भेज देना चाहते थे, दूसरा कि हमें अगले दिनों में देश के एक शीर्ष नेता से
मिलाएंगे ताकि ये बातचीत की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो। अभी तक नहीं आई, इसीलिए हम अनशन को दोबारा शुरू करें। जब डिटेंशन हुआ तो हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। शॉकिंग इसलिए था, अगर आप पूरा यात्रा को ट्रैक कर लोगे ना, सिर्फ यात्रा को, इससे पहले भी जितने भी हमारे मूवमेंट चले या अनशन चले, वो सबसे ज़्यादा पीसफुल रहा हिस्ट्री में। मुझे लगता है इससे पीसफुल आपको प्रोटेस्ट कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसके बावजूद भी, और हिमाचल में जब आए आपने देखा होगा पब्लिक का किस तरह का सपोर्ट है, और कहीं पे भी मतलब इतना सा भी वायलेंस नहीं हुआ, आह तक भी नहीं हुआ। और जब दिल्ली पहुंचने से पहले पुलिस एस्कॉर्ट करने के बहाने डिटेन किया जा रहा है, तो हमें तो बहुत शॉकिंग हुआ, डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि हम लोग बहुत सरहदी इलाकों से चल के आए, लद्दाख जो बॉर्डर पे, मैं उससे भी बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे, वहाँ से हम लोग सिर्फ आए हैं दिल्ली में अपने मांगों को लेकर, अपनी ही सरकार के लिए, और वहाँ से पुलिस एस्कॉर्ट करने के बहाने आपको पकड़ रहा है। तो दुखी हुआ, डिसअपॉइंट हुआ, लेकिन हिम्मत हम लोगों ने हारा नहीं। हमें 2 दिन डिटेन रखा गया, देट वॉज एन इलीगल डिटेंशन फॉर 2 डेज, और जिस तरह से रखा गया वो तो बावाना पुलिस स्टेशन में, मैं और मेरे साथी लोग थे, वे 40 पीपल एंड मिस्टर वांचुक वॉज देयर ऑल्सो। हम लोग बाहर खुले में सोए, वहाँ पे तो जो कारपेट पर तो जो शीट ऑफ द पिजन एज वेल। ठीक है, पुलिस का ही बार तो रिस्ट्रिक्ट कर रहा था कि आपको वॉशरूम जाना नहीं है। तो मतलब हाउ कैन पुलिस डिनाई समवन टू गो टू द वॉशरूम? भाई वॉशरूम तो एक नेचुरल प्रोसेस है, सिक्योरिटी के लगाना उनका काम है। तो ये मुझे लगता है कि हमारे साथ एक नाइंसाफी भी हुआ है और गलत भी, और हमें बहुत दुख भी हुआ। ऐसा लगा कि हम कोई क्राइम करके तो नहीं आए, हम कोई एंटी नेशनल काम करके तो नहीं आए। तो मुझे लगता कि जो शहरियाँ, हम एज ए इस देश के शहरी होने की वजह से प्रोटेस्ट करना और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को विद इन रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन चल के उस समझदारी के साथ हम आएँ, उसके बावजूद भी ट्रीटिंग अस लाइक ए क्रिमिनल, ट्रीटिंग अस लाइक एंटी नेशनल, इस एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। गवर्नमेंट को भी थोड़ा सुनना चाहिए ना, हम इधर फेंके तो नहीं रख सकता ना। इधर तो अभी भूखा भी 4 दिन से ऊपर हो गया, कुछ सुनने वाला नहीं, कुछ आने, बच्चे भी आने नहीं देता, लद्दाख वाले में मिलने भी नहीं देता, ऐसे है। अच्छे ऊंचे नेता लोगों की बात सुनते हैं, खासकर जब वो पैदल चलकर, महीने से ज़्यादा पैदल चलकर 150 लोग, जिनमें 80 से भी ऊपर के लोग थे, भूतपूर्व सैनिक थे, तो सुननी चाहिए। मेरे ख्याल से अभी भी वो सुनेंगे तो इससे उनका कद और बढ़ेगा, इससे वो छोटे नहीं होंगे, क्योंकि ये आखिरी नागरिक आए हैं देश की अंतिम सीमा से। तो लोकतंत्र है तो ऐसी बातों को सुननी चाहिए। सरकार ने तो वादा भी किया, पावर में भी आए, उसके बाद जब हमने उस वादे को याद दिलाने की बात आए तो सरकार का व्यवहार बहुत बदल गया। और दूसरी बात, ये बदलने के पीछे हम ये अनुमान लगा रहे हैं, पहले तो अर्जुन मुंडा साहब ने हमें 6th शेड्यूल में रखने की बात भी किया था और रिकमेंड भी किया था जब वो ट्राइबल मिनिस्ट्री था। हम ये समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कॉरपोरेट के लोगों का ज़रूर हाथ है, क्योंकि लद्दाख में आपको जो सोलर पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें तो लोगों का कंसल्टेशन तो है ही नहीं, और लोगों को कंसल्ट करना ही नहीं चाहते। हम पहले भी बार बार कहें, डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, कंसल्टेशन ऑफ द पीपल इज़ इम्पॉर्टेंट। नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं नियत पे तो सवाल उठता है। मुश्किल तो बहुत है ना, हम घर बार छोड़ के भी तब से आया ना, इधर भी मुश्किल तो बहुत हो रहा है। सिर्फ पानी पी के बैठ रहा ना, पहले तो हम ऐसे पानी पी के था, अभी कल से तो थोड़ा नमक डाल के पिया था बस, सिर्फ सब पानी पे बैठा है जी। लोगों का समर्थन जिस तरह से मिल रहा है, अलग अलग जनसंगठन लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, पार्टियों को समर्थन है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? सरकार एक तरफ आपकी बात नहीं सुन रही, लेकिन देश की आवाम आपकी बात जरूर। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सारे राजनीतिक दलों से, अराजनीतिक सामाजिक दलों से, समुदाय से, संस्थाओं से लोग आ रहे हैं, राजनीतिक लगभग सभी दलों से आए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी से भी कई वरिष्ठ नेता हमें पद यात्रा के दौरान भी हमसे जुड़े, यहाँ पर भी आके उन्होंने अपने सहानुभूति जताई है। तो लोगों में बहुत समर्थन है लद्दाख के इस मुद्दे पर। उम्मीद है कि ऊपर जो सरकार में बैठे हमारे शीर्ष नेता हैं उनमें भी ये जागेगी कि वो बात करें और आगे बढ़ाएं इस मसले को, क्योंकि वरना ये देश के लिए और देश की सुरक्षा के लिए भी अच्छी बात नहीं है कि सीमा पर जहां चीन, पाकिस्तान सब मिलते हैं, वहां की स्थानीय जनता ये महसूस करे कि जब देश को ज़रूरत थी तो उन्होंने हर युद्ध में सैनिकों के बराबर काम किया, बिना किसी तनख्वाह, बिना किसी वर्दी के, और जब उनकी बारी आई तो हमारा देश उनकी सुन नहीं रहा है। ऐसा
भावना लोगों में न जागे तो अगला कभी कुछ सीमा पर होता है तो देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तो जो था वो भी छिन गई है, ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो अच्छा तो नहीं महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कोई लोकतांत्रिक मंच नहीं है। और जो भी निर्णय होता है लद्दाख के बारे में, जिस लद्दाख को बहुत कम लोग समझते हैं मैदानों से जो आते हैं, क्योंकि ये भारत के एक अंग तो छोड़िए मंगल ग्रह की तरह लगता है, मतलब उस सब कुछ अलग है वहाँ पर, तो इसको समझना लोगों के लिए आसान नहीं है। और जो ये अफसर आते हैं, चाहे वो उपराज्यपाल हो या सेक्रेटरीज, वो 3 साल 2 साल की पोस्टिंग पे आते हैं, तो उनका ज़्यादा समय तो सीखने में चला जाता है फिर वापस जाने में, तो ऐसे में वो बहुत गलतियाँ करेंगे और ये किसी के भी हित में नहीं होगा। स्थानीय लोगों को सशक्त करने की ज़रूरत है, इसीलिए लोग सोचते हैं कि यहाँ भी लोकतंत्र की स्थापना करें, ताकि यहाँ के लोग जो सदियों से यहाँ रहते आए हैं, पीढ़ियों तक यहाँ रहेंगे, उनकी लगानी है इसकी भलाई में, इसके पर्यावरण की, ग्लेशियर्स की, ज़मीन की, जंगलों की और संस्कृति की, जिस संस्कृति ने बचाए रखा है अभी तक। तो इसके लिए वो लोग आगे हों जिनकी लगानी है, जिनको निर्भर करना है इन परिस्थितियों से आने वाली पीढ़ियों तक, वो नहीं जो 3 साल के बाद चले जाएंगे। आगे आंदोलन का रास्ता कब तक चलेगा, क्योंकि 1 सितंबर से आप पैदल चलते हो? ये तो सरकार पर निर्भर करता है, वो कब इसको सुलझाएंगे, हम तो ऐसे ही मृत्यु तक रहेंगे। सर, आपका हेल्थ कैसा है, एक बार वो भी लोग? अभी तो ठीक है, अभी तो ठीक है। अभी आपने सोनम बागचुक जी सुना, जो वो कह रहे हैं जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानेगी तब तक अनशन में बैठे रहेंगे, और पिछले कई दिनों से ये लद्दाख भवन के अंदर ही अनशन में बैठे हुए हैं, और सुप्रीम हाई कोर्ट तक इनको जाना पड़ रहा है दिल्ली के अंदर शांतिपूर्ण ढंग से एक अनशन कर पाए इसकी जगह के लिए। और ये जिस तरीके से पैदल चलते हुए शांतिपूर्ण तरीके से ले लद्दाख से चलते हुए अलग अलग राज्यों से पंजाब तक आए, लेकिन हरियाणा में चुनाव के कारण इनको बस में बैठाया गया, इन्होंने सरकार के प्रशासन की बात मानी, लेकिन जिस तरीके से इनको डिटेन करके दिल्ली बॉर्डर पर फिर घुमाया गया, होम डिटेंशन में रखा गया, लेकिन बाद में सरकार मानी और इनको 2 अक्टूबर के बाद इनको राजघाट पर ले गई, लेकिन वो सिंबॉलिक था, उसके बावजूद भी इनको लद्दाख भवन के अंदर ही सीमित करके रखा गया है, जो कि एक बड़ा सवाल है। लोकतंत्र में लोग अपनी शांतिप्रिय ढंग से अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के लिए। और जब तक एक बात जो सोनम बागचुक साहब ने कहा है, उनको उम्मीद थी 1973 के बाद लद्दाख की अपनी एक आवाज़ होगी, स्वतंत्र आवाज़ होगी, लेकिन आज जो हालात है उसमें साफ दिख रहा है जो थोड़ी बहुत भी आवाज़ थी लद्दाख की उसको भी सरकार ने दबा दिया है, और सरकार को लद्दाख या जम्मू कश्मीर को ही पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए। अभी कल बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ क्लिक, धन्यवाद।